हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर 3। नाउ लेट्स स्टार्ट। आई विल कम टू विजिट यू वन डे, सेज चुईया। चुईया कहती है मैं एक दिन तुमसे मिलने आऊंगी। विजिट मींस गो टू मीट समवन, मतलब किसी व्यक्ति से मिलने जाना। तो चुईया कहती है चूहे से कि हाँ मैं तुमसे मिलने एक दिन आऊंगी। वन डे चुईया गोस टू दी बिग सिटी, एक दिन चुईया बड़े शहर में जाती है। इट इज अ नॉइसी प्लेस, वह बहुत शोर शराबे वाली जगह है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा सिटी में बहुत शोर होता है, रश भी बहुत होता है और जाम भी बहुत लगता है। और आपने देखा होगा वहाँ बहुत ज़्यादा ही शोर शराबा होता है, एक तरफ से हॉर्न की आवाज़ और एक तरफ से कुछ, आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा वह वहाँ शोर शराबा होता है। चूहा टेक्स हिज फ्रेंड टू हिज हाउस, चूहा अपने मित्रों को अपने घर ले जाता है। दे रन इन टू अ डार्क होल इन द वॉल, वे अंधेरे होल में चले जाते हैं। डार्क मीन्स गहरा अंधेरा, मतलब अंधेरे वाले जगह। आई रिपीट इट अगेन, वे भागते हुए एक अंधेरे से दीवार में होल में चले जाते हैं। वे भागते हुए उस होल में चले जाते हैं। अ बिग ब्लैक रैट रन्स आफ्टर देम, एक बड़ी काली बिल्ली उनके पीछे भाग रही होती है। जब चूहा अपनी फ्रेंड चुईया को घर लेके आता है तो उनके पीछे एक बिल्ली पड़ जाती है, मतलब एक कैट जो है वो उनके पीछे भाग रही होती है। तो वो लोग उनसे बचते हुए वो लोग वॉल में एक होल होता है उसमें जाके चले जाते हैं। शी सिट्स आउटसाइड द होल, वह होल के बाहर ही बैठी होती है। मियाऊ सेज द कैट, मियाऊ सेज द कैट, कैट मियाऊ कहती है। द होल डे चूहा एंड चुईया सिट क्वाइटली इन द होल, क्वाइटली मीन्स चुपचाप। पूरे दिन चूहा और चुईया चुपचाप उस होल में बैठते हैं। चुईया इज हंग्री, चुईया भूखी है, क्योंकि वो सुबह से उसने ना कुछ खाया है ना पिया है, तो वो इसीलिए उसे भूख लग रही होती है और वह भूखी होती है। वेयर इज ऑल द फूड, सेज चुईया। चुईया जो है चूहे से कहती है कहाँ है तुम्हारा खाना, मतलब चुईया जो है चूहे से कहती है कहाँ है खाना। वेट टिल इट इज नाइट, रात होने तक इंतजार करो। देयर विल बी लॉट्स ऑफ फूड ऑन द डाइनिंग टेबल, यहाँ डाइनिंग टेबल पे बहुत सारा खाना मिलेगा। मतलब चूहा जो होता है वो चुईया से कह रहा होता है कि तुम रात होने तक इंतज़ार करो, रात को तुम्हें इस डाइनिंग टेबल में बहुत सारा खाना मिलेगा। एट नाइट द ब्लैक बिग कैट गोज टू स्लीप इन हर बास्केट, रात को बड़ी काली बिल्ली अपनी बास्केट में सोने चली जाती है। बास्केट मीन्स टोकरी, जो कैट जो है वह रात को अपनी बास्केट में सोने चली जाती है। चूहा एंड चुईया कम आउट ऑफ द होल, चूहा और चुईया जो हैं होल में से बाहर आ जाते हैं। एवरी वन इज स्लीपिंग, हर कोई सो रहा होता है। द टू फ्रेंड्स क्लाइम अप द लेग ऑफ द चेयर, दोनों मित्र चेयर के पैर पर चढ़ जाते हैं। दे गेट ऑन द टेबल, वे मेज पर आते हैं, मतलब वो दोनों जो हैं चेयर के पैर के थ्रू चढ़ते चढ़ते टेबल तक आ जाते हैं। दे ईट सम स्मॉल पीसेस ऑफ द ब्रेड, वे कुछ छोटे ब्रेड के टुकड़े खाते हैं। दे आर हंग्री, वे भूखे हैं, मतलब वो ब्रेड के टुकड़े खाने के बाद भी वो लोग भूखे होते हैं। देयर इज नो मोर फूड ऑन द टेबल, टेबल पर और खाना नहीं होता है। चूहा एंड चुईया गो इनटू द किचन, चूहा और चुईया जो हैं किचन में जाते हैं। जो टेबल, मतलब जो भी
टेबल पे जो स्मॉल पीसेस होते हैं वह उनको खा लेते हैं, और वहाँ टेबल पे और खाना नहीं होता, तो वो और खाने की तलाश में किचन में जाते हैं। दे गेट इंटू द गार्बेज बिन, वे गार्बेज बिन मीन्स अ कैन इन विच थिंग्स नॉट नीडेड आर थ्रोन, मतलब एक कैन, जो भी हमारा सामान काम का नहीं होता है वह सामान हम उस कैन में डाल देते हैं, मतलब कचरे का डब्बा जिसको हम डस्टबिन बोलते हैं। तो वे दोनों डस्टबिन में जाके घुस जाते हैं। बह 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 बार्क्स अ डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, कुत्ता जो है उनके ऊपर भौं भौं करके भौंकता है। जब वो दोनों किचन में जाते हैं तो उनके पीछे कुत्ता भौंकता है, मतलब उनके पीछे डॉग भौंकता है, तो वो उस डॉग से बचने के लिए डस्टबिन में घुस जाते हैं। चूहा एंड चूहिया सिट स्टिल इन द बिन द होल नाइट, स्टिल स्टिल मीन्स विदाउट मेकिंग और मूविंग अ नॉइस, इट मीन्स बिना आवाज की शांति से बैठना, मतलब एक जगह पर बिना हल्ला किए हुए, बिना शोर किए हुए बैठना। चूहा एंड चूहिया जो है पूरी रात उस डस्टबिन में बैठे रहते हैं बिना आवाज किए हुए। इन द मॉर्निंग द फ्रेंड्स स्कैम्पर बैक इनटू द डार्क होल, सुबह होते ही दोनों मित्र तेजी से भागते हुए अपने होल में चले जाते हैं। स्कैम्पर, स्कैम्पर मीन्स रन अवे फास्ट, तेजी से भागना। वो लोग जब सुबह होती है तो चूहा और चूहिया जो दोनों हैं वो अपने डार्क होल में भागते हुए चले जाते हैं। आई एम गोइंग होम सेज चूहिया, चूहिया जो है चूहे से कहती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। आई डोंट लाइक द सिटी, मुझे शहर पसंद नहीं है, मतलब कि यहाँ इतना डर डर के रहना पड़ता है और खाना खाने के लिए भी वेट करना पड़ता है कि जब कोई नहीं हो तब हम कुछ खाना ढूंढे और खाए। तो वो इस एटमॉस्फेयर को, इस माहौल को देखते हुए चूहिया जो है चूहे से कहती है कि मैं अपने घर वापस जा रही हूँ और मुझे ये तुम्हारी सिटी पसंद नहीं है, नहीं आई। इट इज़ वेरी स्केयर हेयर, स्कैरी, स्कैरी मीन्स फ्राइटनिंग, मीन्स डरा हुआ, कि यहाँ बहुत डर है, कि मतलब हमें यहाँ डर डर के रहना पड़ता है। पहले ये दोनों जो हैं वह एक कैट से बचते हैं, कैट से बचने के बाद फिर ये दोनों डॉग से बचते हैं, तो इसीलिए उसको बहुत डर लगता है यहाँ। तो वो चूहे से कहती है कि यहाँ बहुत डर है इसलिए मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज फिनिश्ड, रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो।